बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम ब्रेकिंग व्यूज़ और मैं हूं यासिर रशीद। नाज़रीन, पाकिस्तान का सियासी जो मंजरनामा इस वक्त ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जो कागजात नामजदगी जमा करवाए गए थे जिनकी जांच पड़ताल का अमल शुरू हुआ था, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बकौल 90% रहनुमाओं के कागजात जो है, मेन एयर लीडरशिप जो है उसके कागज मुस्तरद किए गए थे। मजमूई तौर पर अगर देखा जाए तो 25,000 से ज़्यादा कागज़ थे जो जमा करवाए गए, 3200 के करीब कागज़ ऐसे हैं जो मुस्तरद किए गए। अगर बातचीत की जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 380 के करीब कागज़ ऐसे हैं जो मुस्तरद किए गए हैं। अगर बात करें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तो 40 के करीब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कागज़ मुस्तरद हुए हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बात करें तो अदादोशुमार कहीं 36 मिलते हैं तो कहीं 26 मिलते हैं। अब फैसला पोलिटिकल जमातों की जानिब से ये किया जा रहा है कि किसको टिकट का इजरा करना है, लेकिन आज के दिन से राउंड टू शुरू हुआ है। जो राउंड टू में कागजात नामजदगी पे जो एतराजात लगाए गए थे जिनकी बुनियाद के ऊपर उन्हें मुस्तरद किया गया, अब वो उसके ऊपर अपीलें दायर की जा रही हैं। 3 जनवरी तक वो अपीलें दायर की जाएंगी और उसके बाद 10 जनवरी तक उस पर समातें होने के बाद फैसला जारी हो जाएगा और फिर 13 तारीख को इंतखाबी निशान अलॉट हो जाएंगे। अब इस ज़मन के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये मुतालबा कर रही है कि इसके ऊपर चीफ जस्टिस जो है वो सू मोटो लें, और सू मोटो लेने पर हमारे जो तहफ़ुज़ात हैं, सुप्रीम कोर्ट की जो डायरेक्शन थी उसके ऊपर अमल नहीं हुआ तो हमारे तहफ़ुज़ात के ऊपर ये तौहीन सुप्रीम कोर्ट भी की गई है। इलेक्शन कमीशन से भी मुतालबा किया जा रहा है कि ये तौहीन इलेक्शन कमीशन हुई है कि इलेक्शन कमीशन ने तमाम आरओस को हिदायत जारी की थी लेकिन उसकी खिलाफ वर्जी हुई है। अब एतराजात जितने लगे हैं उन्हीं एतराजात की बुनियाद के ऊपर सवालात किए जाएं माहिर कवानीन से कि जो सीजनल पॉलिटिशियंस हैं कैसे मुमकिन है कि वो दहाइयों तक सियासत करते आ रहे हों और अब आके उनके कागज मुस्तरद किए गए हों। क्या उन्हें कानून का नहीं पता था, क्या उन्हें प्रोसीजर का नहीं पता था, और अगर तमाम तर चीज़ें उनके नॉलेज में थीं तो फिर किन बुनियादों के ऊपर ये कागज़ मुस्तरद हुए। अब साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुंवर दिलशाद ये राय रखते हैं कि इनमें से 70% ऐसे लोग होंगे जिनके कागज बहाल हो जाएंगे, 30% के ऊपर जो एलिगेशन हैं वो बहाल नहीं हो पाएंगे। अब इसी के ऊपर बात करते हैं। हमारे पैनल में आज मौजूद है पाकिस्तान पीपीटी की रहनुमा शर्मिला फारूकी साहिबा, बहुत शुक्रिया शर्मिला साहिबा। सीनियर तजियाकार रजा रूमी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, रजा साहब बेहद मशकूर हूं आपके वक्त का। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राणा एहसान अफजल हमें ज्वाइन करेंगे। रजा रूमी साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आता हूं। एक तरफ यह है कि कल को जो सुप्रीम कोर्ट में समात होनी है, 7 रुकनी लार्जर बेंच ने बैठ के समात करनी है ताहयात नाहली केस के हवाले से। अब उधर वो भी फैसला होना है जिसमें बहुत से बेनिफिशरीज भी हैं या मुतासरीन होंगे। दूसरी तरफ नैब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहुंच चुका है कि सिंगल बेंच का फैसला था जो 5 साल नहली के लिए उन्होंने फैसला जारी कर दिया, वो 10 साल बहाल की जाए। इस पूरे मंजरनामे में क्या बैलेंस होता ये मामला देख रहे हैं? जी शुक्रिया। कल का वाकई जो बेंच है और केस है वो बड़ा अहम है क्योंकि वो तायुन करेगा आने वाले जो सियासी मुस्तकबिल का, जिसमें कि मियां नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन दो ही मेजर केसेस हैं और तो बाकी इतने उसमें मुझे नहीं मालूम कि कौन से अहम लोग उसकी जद में हैं, लेकिन ये दो जो रहनुमा हैं, एक मुस्लिम लीग नून के और दूसरा आईपीपी के, ये उनके सियासी फ्यूचर का फैसला करेगा। क्या मियां नवाज शरीफ इलेक्शन में हिस्सा ले सकेंगे? अगर वो इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं तो फिर यकीनन वो उम्मीदवार भी होंगे अपनी पार्टी की प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए, और इसी तरह तरीन साहब जो हैं वो भी इलेक्शन में हिस्सा लेकर पार्लियामेंट में पहुँच पाएंगे कि नहीं। तो इसलिए ये एक वाकई में बहुत अहम ये केस होगा। लेकिन इसके साथ जो आपने जिक्र किया पहले लेवल प्लेइंग फील्ड का और पीटीआई की शिकायत का, तो वो भी एक मसला इस वक्त दरपेश है, और वो मसला बुनियादी तौर पर ये है कि एक तासुर जो है वो अभी बनकर उभरा है पिछले कई हफ्तों से, जहाँ पर पीटीआई की तरफ से बहुत शिकायत हैं। पहले ये कि उनको जलसे जुलूस और कॉर्नर मीटिंग्स की इजाज़त नहीं मिल रही, और फिर उनके अभी कागजात नामजदगी जो है वो मुस्तरद हुए उनके बहुत से रहनुमाओं की, और उनके ऊपर कुछ के ऊपर टेक्निकल नॉकआउट किया गया है, कुछ के ऊपर कुछ है। अब ट्राइब्यूनल्स उनको फैसला करेंगे। गालिबन 500 से जायद
दरख्वास्तें दायर हुई हैं, अगर मैं पढ़ रहा था कुछ देर पहले, शायद अब उनकी तादाद में और भी ज़्यादा इजाफा हो गया हो, तो अब यकीनन ये मामला वहाँ चला गया है। अब देखिए इसमें दो बातें हैं, एक तो इसमें कोई शक नहीं है कि पीटीआई जो है वो रिसीविंग एंड पे है, 9 मई के बाद पीटीआई की सियासी जो साख है, उसका जो सियासी मुस्तकबिल है, उसके ऊपर बहुत से सवालात उठे हैं और बहुत से पाकिस्तान में ऑब्जर्वर्स जो हैं, तजिया निगार जो हैं, उनका यही कहना है कि भाई वो 9 मई के बाद जो मुक्तदर हलके हैं उनका व्यू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में कोई इतना फेवरेबल या पॉजिटिव नहीं है। और अब ये अलग हम बहस कर सकते हैं कि क्या उनका क्यों व्यू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, आइन क्या कहता है, कानून क्या कहता है, हम तो ज़मीनी हकायक की बात कर रहे हैं, नंबर एक। और नंबर दो ये कि इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि चूंकि पीटीआई का सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा उनका असर है, गलबा है, तो वो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो थोड़ा उसको एग्जैगरेट भी कर देते हैं। मसलन अगर आपको याद हो जब कागजात नामजदगी जमा करवाए जा रहे थे तो उस वक्त भी ये तासुर आ गया था कि जो उनके कागज़ ही नहीं जमा हो रहे, हालांकि सबसे ज़्यादा नॉमिनेशन पेपर्स जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जमा हुए, बाकी पार्टियों से भी ज़्यादा। तो अब यही वाकया है कि अगर आप देखें कि ये जो कागजात एक्सेप्ट हुए, मुस्तरद हुए, कोई 25,000 के लगभग तकरीबन जी 25,000 से ज़ायद ही बनता है, जी 25,000 से ज़ायद जो है वो नॉमिनेशन पेपर्स जो हैं वो गए, उनमें से तकरीबन 12% रिजेक्ट हुए हैं, 3200 के करीब जी। अब उसमें से कोई 10 यानी कि 10-12% हो गए ना, तो अब 10-12% जो है वो आप ये तो नहीं कह सकते कि सब रिजेक्ट हो गए और सारा प्रोसेस जो है वो रिग हो गया। हाँ, उसमें जो अचंभे की बात है कि बहुत सारे उनके जो सीनियर रानुमा है, शाह महमूद कुरैशी साहब और मुराद सईद और इस तरह के लोग, उनके पेपर्स नहीं एक्सेप्ट हुए, लेकिन उसके बरक्स आप देखें जैसे सलमान अकरम राजा साहब हैं लाहौर में, उनके पेपर्स एक्सेप्ट हो गए कि उनके उन्होंने सारे अपने कागज़ पर वकील हैं तो कागज़ जो हैं वो सही जमा हुए, कि कुछ टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर भी रिजेक्ट होते हैं। अमार अली जान हैं हमारे दोस्त लाहौर में, वो बाएँ बाजू की नई जमात के रानुमा हैं, उनके पेपर्स भी रिजेक्ट हुए टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर, गालिबन कोई वो सही ओथ कमिश्नर की नहीं थी एफिडेविट वगैरह वगैरह। तो ये अभी देखना बाकी, अगले 2-3 रोज में पता लग जाएगा कि कितना इसमें हकीकत है, कितना फसाना है। बहरहाल हम तो यही कहेंगे अगर एक शिकायत भी हो तो इलेक्शन कमीशन उसका अजाला करे और उसको ठीक करें। जी ठीक। शर्मिला फारूकी साहिबा, आप क्या राय रखती हैं, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पूरी कंपेन देखी जाए तो वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मुखालिफ दिखाई देती है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की देखें, मैं बारहा ये बात कर चुका हूँ कि वो पीटीआई के मुखालिफ दिखाई देती है। अब आप लोगों को क्या खदशा है, वो पीएमएलएन को जो है वो तो उन्हीं के रहनुमाई जवाब दे सकते हैं, आप लोग क्या इस पूरे मंजरनामे में लेवल प्लेइंग फील्ड अपनी जमात के लिए देख रहे हैं? जी शुक्रिया यासर साहब। देखिए दो चीज़ें हैं, पहली बात तो मुझे नहीं पता कि आपको ये तासुर क्यों मिला है कि हमारी पूरी कैंपेन जो है वो पीएमएलएन के खिलाफ है। बात ये है कि हमारा तो लड़ाई झगड़ा किसी से भी नहीं है, ना पीटीआई से है ना पीएमएलएन से, हमने तो इलेक्शन लड़ने हैं और हमारी जो लड़ाई है वो है बेरोजगारी से, गुर्बत से, महंगाई से, बाकी किसी से हमें कोई सरोकार नहीं है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं, वो वाहिद शख्सियत हैं जो पूरे मुल्क के अंदर जलसे कर रहे हैं, वर्कर्स कन्वेंशन कर रहे हैं, अपनी कैंपेन कर रहे हैं, और ये वाहिद जमात और वाहिद चेयरमैन हैं इस मुल्क के अंदर जो वाकईतन सियासी मैदान में उतरे हैं, जिस तरह इलेक्शन लड़ना होता है। हम वो वाहिद जमात हैं जो अपना 10 निकाती मंशूर भी लेकर आए हैं। कोई और जमात ना आपको ऑन ग्राउंड नजर आएगी अपने कारकुनान में और अपने वोटर्स में, ना ही किसी का अभी तक कोई मंशूर सामने आया है। एक वाहिद पीपल्स पार्टी है जो यूथ के हवाले से बात कर रही है कि हमें यूथ को करियर काउंसलिंग देनी है, हमें यूथ के मरकज बनाने हैं। ये वाहिद जमात है जो कह रही है कि BISP के हमने मजीद घरानों को जमरे के अंदर लेकर आना है, उसकी रकम बढ़ानी है। ये वाहिद जमात है जो कह रही है कि हमने इस मुल्क में एनर्जी कंजर्व करनी है, हमने सोलर एनर्जी की तरफ जाना है, ग्रीन पार्क्स बना रहे हैं। ये वाहिद जमात है जो बात कर रही है हमने इस मुल्क में लोगों को घर बना के देने।
ये वाहिद जमात है जो बात कर रही है कि हमने किस तरीके से एक हारी को उसकी सपोर्ट सिस्टम देनी है, किस तरीके से हमने सब्सिडीज को रीडायरेक्ट करके उन गरीब लोगों को देना है और उन अमीर लोगों से लेना है जो हमेशा से साल आ साल कई अदवार से सब्सिडीज एंजॉय करते आए हैं। ये 10 नकाती एजेंडा जो हमने दिया जिसके ऊपर किसी को एतराज नहीं होना चाहिए क्योंकि ये वक्त की और इस कौम की जरूरत है। इसके अलावा तो कोई और जमात है ही नहीं जो बात कर रही है। ये मेल मिलाप होना, सीट एडजस्टमेंट्स होना, अलायंसेस होना, दिस इज नॉट व्हाट इलेक्शन इज ऑल अबाउट। इलेक्शन इज गोइंग टू द पीपल, टेकिंग योर एजेंडा टू द पीपल कि अगर आप हमें वोट देंगे और हम अगर इख्तदार में आएंगे तो हम किस तरह आपकी हालत इख्तदार बेहतर करेंगे। ये पीपल्स पार्टी के अलावा तो ना कोई बात कर रहा है ना कोई इस पे काम कर रहा है। और मुझे नहीं मालूम कि किसको क्या एतराज है। हाँ, हम पे जरूर तनकीद हो रही है, हम पे तनकीद की जा रही है, लेकिन अपना मंशूर नहीं बताया जा रहा, अपना एजेंडा नहीं बताया जा रहा। यह अफसोसनाक बात है बिकॉज लग रहा है कि सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन लड़ने जा रही है, बाकी तो सारे ड्रॉइंग रूम ठीक। आपकी इसी बात के ऊपर राणा एहसान साहब, मिलाप हो रहा है, शमूलियतें हो रही हैं, मैं राणा एहसान साहब की राय ले लूं। राणा एहसान साहब, आप लोगों ने अभी तक मंशूर नहीं दिया, आप लोग अभी तक टिकट्स की तकसीम के हवाले से बात नहीं कर सके, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो ये रिजेक्शन से पहले तक अपनी फैसले कर चुकी हुई थी, किसी हद तक वो ये मानते हैं और हतमी फैसला उन्होंने करना है। और आपकी पार्टी से ये तासुर क्यों आ रहा है कि पार्टी के अंदर धड़ेबंदी बन चुकी है और जिसको ख़त्म करने के लिए एक मैसेज अवामी वर्कर्स कन्वेंशन के अंदर देना पड़ा कि इनकी रियासत इतनी है, इन्होंने सियासत अवाम के लिए की है, ये मज़ाहमत की सियासत का इस्तारा है, तो ये तासुर जो उभर के आ रहा है उस पर क्या जवाब रखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो हमारी जमात वो वाहिद जमात है जिसका इंटरव्यू प्रोसेस 2 दिसंबर से शुरू हुआ और तकरीबन कल गालबन वो ख़त्म हुआ है, और हज़ारों की तादाद में जो कैंडिडेट्स हैं, एक एक का जो इंटरव्यू है उसको मौका मिला अपने बारे में बयान करने का। बसद एहतराम, वो इंटरव्यू सेशन तो ना कहें, उसे तारुफी सेशन कह दें, क्योंकि 2 मिनट के दौरान तो आप अपना तारुफी बयान कर सकते हैं सिर्फ नाम और साबिका लायका लगा के। नहीं, ये तो एक लास्ट फेज था, उससे पहले भी एक फेज हुआ जिसके अंदर डिस्ट्रिक्ट वाइज इंटरव्यूज हुए और डिटेल लोगों से बातचीत हुई, उसके अलावा रिपोर्ट्स मुश्किल मुख्तलिफ टीमें तश्कील दी गई जिन्होंने मुख्तलिफ रिपोर्ट्स बनाई उन कैंडिडेट्स के हवाले से। तो एक बड़ी एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस से जो है वो हमारी जमात गुजरी और वो मुकम्मल हो गई, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये माइलस्टोन हमने अचीव किया। जहां तक मंशूर की बात है, मंशूर भी हमारा एक जो एक मैसिव एक्सरसाइज हुई जिसमें हर शोबे के जो रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स से उनके साथ बैठकें हुई, जूम मीटिंग्स हुई, और जो पिछला हमारा मंशूर था उसको अपग्रेड कर रहे हैं हम लोग, उसको अपडेट कर रहे हैं आज के हवाले से, तो वो भी अभी आने वाले चंद दिनों के अंदर लॉन्च हो जाएगा। उसका फाइनल जो स्टेप है वो ये है कि हम लोकल ये जो आवाम से भी राय जो है वो उस एक्यूमुलेट कर रहे हैं और फिर हम अपने मंशूर को भी लॉन्च कर देंगे। जहां तक अवामी राबते की बात है, वो अब टिकट्स जैसी अनाउंस होते हैं तो अवामी राबते का भी स्केड्यूल जो है वो मुकम्मल हो चुका है और वो भी एक भरपूर तरीके से लॉन्च होगा। तो हमारी जमात जो है वो बिल्कुल अपने आने वाले जो 5 साल का प्लान है हर शोबे के हवाले से उसी के ऊपर इलेक्शन लड़ेगी और एक पॉजिटिव बयानिए के साथ उतरेगी। अच्छा राणा साहब, ये बताइए कि मौजूदा सूरत हाल में मियाँ साहब का कल बेनिफिशरी हैं वो एक केस के अंदर, अगर वो फैसला हो जाता है और वो 10 साल वाला मामला होता है तो फिर वज़ीर आज़म शिप का उम्मीदवार कौन होगा? क्योंकि पिछले दिनों से हम यही सुनते आए हैं कि मियाँ साहब वज़ीर आज़म शिप के उम्मीदवार हैं, लेकिन इरफान सिद्दीकी साहब से मंसूब एक बयान चल रहा है जिसमें उनका ये मानना है कि मियाँ साहब, बड़े मियाँ साहब अभी वज़ीर आज़म शिप के उम्मीदवार नहीं है, तो वो हमारे लिए हैरानी की बात थी। देखिए, पार्टी का जो क्लेम है वो सबके सामने है कि चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म के कैंडिडेट मियाँ नवाज शरीफ हैं, और पार्टी की जो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं उनका भी यही मौकफ है, ये पूरी पार्टी का मौकफ है। अगर कोई इंडिविजुअल का मौकफ आए भी तो मेरे ख्याल से पार्टी का बड़ा क्लियर कट मौकफ है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। जहां तक कल के फैसले की बात है, वो आ जाए और अगर हमारी जो तवक्कुवात है, हम तो समझते हैं कि जो ताहियात ना अहली का जो निज़ाम था वो वैसे ही बड़ा अनफेयर था
और वो सिर्फ एक टारगेटिंग के तहत वो बना, क्योंकि ये तब लाजिम था कि मियां नवाज शरीफ को टारगेट करना है, सियासत से निकालना है, तो वो ताहयात ना अहली हुई, वरना जो है वो इलेक्शन एक्ट की तरामीम भी हो चुकी हैं। तो हम बड़े होपफुल हैं कि ये एक बड़ा अच्छा फैसला कल आएगा जो कि हमेशा इस मसले को जो है वो हल कर देगा। तो जब वो आएगा तो उसके बाद फिर हम जरूर इस पर कॉमेंट करेंगे कि क्या होने जा रहा है, लेकिन अभी तो मियाँ नवाज शरीफ जो है वो चौथी दफा के कैंडिडेट हैं वजीर आजमशिप के, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक, रजा रूमी साहब, सर जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं कि एग्जेजरेट किया जाता है पीटीआई की तरफ से, क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर होल्ड बहुत ज्यादा। अब रिसेंटली आज के दिन भी जमशेद दस्ती साहब की एक वीडियो मंजर आम पे आती है, वो अपनी तरफ से तहफ़ुज़ात का इजहार करते हैं, रो पड़ते हैं। उस्मान डार साहब की वालिदा की होती है, आप मजमूई तौर पे वो तासुर ऐसा मिलता है जिससे सुन के समझ के अगर उसे मंजरनामे को आंखों के सामने लाएं तो बदन में झुरझुरी सी होने लगती है। इसके अलावा मौलाना फजलुर रहमान साहब से इस बारे में मौकफ लिया जाए जो पीटीआई क्लेम कर रही है, तो वो कहते हैं कि ये विक्टिमाइज नहीं इन्हें किया जा रहा है, इन्हें प्रोजेक्ट किया जा रहा है। वो कहते हैं विक्टिमाइज तो हम हो रहे हैं, हमारे ऊपर हमले हो रहे हैं। एएनपी को देखें तो एएनपी कहती है कि बैलेंस करने के लिए ये हमारा इंतखाबी निशान भी ले लेंगे। तो एमकेएम जो है, एमकेएम से पूछें तो वो पीपल्स पार्टी से लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रही होती है इलेक्शन कमीशन से मांगने की बजाय। तो आप समझ रहे हैं कि 8 फरवरी तक ये मामला खुश असलूबी से हल होता दिखाई दे रहा है या ये हिद्दत में मजीद इजाफा होगा? जी यासिर, देखिए हिद्दत में मजीद इजाफा होगा। इलेक्शंस के वक्त तो वैसी सियासी टेम्परेचर बहुत ऊपर चला जाता है। और देखिए, मैंने एग्जैगरेट की बात इसलिए कही कि जो तासुर बनता है, आपने अभी 3 ये केसेस इनका जिक्र किया, उस्मान डार साहब का, ये आज जमशेद दस्ती साहब का, उस पर पुलिस का भी मौकफ सामने आ गया, मैं भी वो वीडियो देख रहा था, और उसके अलावा और इक्का दुक्का चलिए 10-15-20 केसेस और भी अगर आप ले लें तो देखिए वो आप उससे ये नहीं कह सकते कि हर उम्मीदवार के साथ ये इस तरह से हो रहा है, नंबर एक। और नंबर दो, अगर एक के साथ भी हो रहा है तो वो भी बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। मैं कतन वो ये नहीं कह रहा कि वो सही या गलत, वो जो भी है वो गलत गलत है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि ऐसा एक भी वाकया ना हो, और जो करे तो फिर उसका वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन या पुलिस को उनका महासभा हो। मगर बात यह है कि इस वक्त सियासी पार्टीज जो हैं वो अपने अपने, अब कल भी मौलाना फजलुर रहमान के ऊपर हमला हुआ है, आप देखें कि वो हमला उससे पहले भी गालिबन ये दूसरा या तीसरा हमला है उनकी और उनकी पार्टी के ऊपर, तो ये भी एक सीरियस चीज़ है, ये मतलब इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। अगरचे कि मैं उनकी इस बात की तायद नहीं करता कि उनको पीटीआई को प्रोजेक्ट किया जा रहा है, ये लोग ऐसे ही मीडिया के बारे में कुछ ना कुछ कहना होता है, मगर यहाँ पे ये बात तो आप नोट कर लीजिए। और मैं ये सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा, ये मेरा व्यू नहीं है, ये बहुत से लोगों का व्यू है कि 9 मई एक टर्निंग पॉइंट था पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की सियासत और उनकी इलेक्टोरल जो क्या कहना चाहिए स्टैंडिंग के हवाले से। जब आपकी पाकिस्तान के ज़मीनी हकायक ये होते हैं कि मुक्तदर हलके जो होते हैं वो उनका एक बड़ा रोल होता है इलेक्शंस और हुकूमतें बनने और बिगड़ने में, और जब वहाँ पर एक ऐसा टाकरा हो जाए, अब वो जाहिर बात है पीटीआई का दावा ये कि उनके खिलाफ साजिश थी, उन्होंने ये भी कहा कि नवाज शरीफ साहब ने लंदन से करवाया 9 मई का वाकया, उन्होंने ये भी कहा कि बीच में और लोग घुस आए थे वो पीटीआई के नहीं थे, इन सब चीजों की तहकीकात होनी चाहिए और मैं सपोर्ट करता हूँ कि एक तहकीकाती कमीशन बने। लेकिन जो उसका नैरेटिव बन गया है और जो तासुर बनाया गया है, जो केसेस चल रहे हैं, उससे तो यही है ना कि एक बहुत बड़ी जो पावरफुल एंटिटी है पाकिस्तान में, वो उनका डायरेक्ट अब एक हेड ऑन कोलिजन हो गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके बानी चेयरमैन के साथ। अब इन हालात में तो फिर जाहिरी बात, अगर आप पाकिस्तान की तारीख देख लें तो फिर ये मामला इतनी जल्दी सीधा नहीं होगा। ये तो आप तो 8 फरवरी की बात कर रहे हैं, तो 40 दिन रह गए हैं, तकरीबन 42 दिन रह गए हैं, तो उससे पहले तो ये मामला हल होने वाला नहीं है। ये तो काफी वक्त दरकार होगा जहां पे ट्रस्ट बिल्डिंग दोबारा से हो, कोई आजादाना इंक्वायरी हो, कोई अदालतें उसमें इंटरवीन करें, रोल प्ले करें। अभी तो सूरत हाल बड़ी क्लियर है और मैसेजिंग बड़ी क्लियर है। आप देखें कि मैसेजिंग इस तरह से क्लियर है कि ये बार बार इसका जिक्र खुद जो मुक्तदर इदारे हैं वो अपनी प्रेस रिलीजेस में कर चुके हैं 9 मई के हवाले से। और फाइनल में आपको एक और पॉइंट भी कह दूं
कि देखिए एक चीज होती है कि नादान कहते हैं कि दाना जो दुश्मन होता है वो नादान दोस्तों से बेहतर होता है। अब जो नादान दोस्त उन्होंने जो कैंपेन स्टार्ट की हुई है, तीन बड़े इदारे हैं पाकिस्तान के जो यहाँ पे असरअंदाज होते हैं पाकिस्तान की मुस्तकबिल में, चीफ इलेक्शन कमीशन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन जिसके वो हर बराएं, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और तीसरा चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। अब इन तीन शख्सियात के खिलाफ एक पहम प्रोपगेंडा या कैंपेन है, सच्ची है झूठी है मैं उसमें नहीं जाता। बहुत से लोग जो हैं हामी हैं जो पीटीआई के, वो कहेंगे जी बिल्कुल सच है उन्होंने ज्यादती कर की है या कर रहे हैं। वो कैंपेन क्या आपके ख्याल से एक अकलमंदी की बात है कि एन उस वक्त पर जब आपको अपने मामला ठीक करने हैं, इन तीन अहम शख्सियात के खिलाफ एक पर्सनल कैंपेन चलती रहे और फिर ये तवक्को की जाए कि वो आगे से रिएक्ट ना करें? भाई वो साधु तो नहीं है, सूफिया जो है वो उनके यहाँ होता है कि वो इग्नोर कर देते हैं, ये तो गोश पोश के पोस्ट के आम इंसान है, वो रिएक्ट भी करेंगे। लेकिन इसके पैरेलल आपका आपकी बात ठीक है, इससे तो हम इदारों को खुद कमजोर करते हैं, शख्सियात को कमजोर करने के चक्कर में इदारे कमजोर कर रहे होते हैं। लेकिन इसके पैरेलल आप ये भी देखें रूमी साहब के, जिस तरीके से जस्टिस कामरान हयात जो पेशावर हाई कोर्ट के हैं, पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, उनको बाकायदा तौर पर धमकाया गया एमल वली खान की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, जिस तरीके से जस्टिस बाबर सत्तार साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगजेब हैं, एफिलिएशन बनाने की कोशिश की जाती है, तो दोनों तरफ से होता है। तो इसके लिए ये जो पोलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं इनको समझाना चाहिए अपने कारकुनान को। यासिर मैं मेरी अर्ज सुन लीजिए, बिल्कुल ये दीगर पार्टियों ने भी किया है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कोई वो आप ये नहीं कह सकते कि वो ये नहीं करे, बिल्कुल ये अपने जजेस का जिक्र किया है नाम लेकर। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, एक फर्क बात कर रहा हूँ और फर्क बात मैं ये कर रहा हूँ, एक माजी है, एक माजी ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है मौजूदा, उनको तरीके इंसाफ के जमाने में उनकी और उनकी बेगम को घसीटा गया अदालतों में एक रेफरेंस में, चलिए वो तो एक आप कह सकते हैं सही गलत कानूनी प्रोसेस था, उसके साथ एक बाकायदा मुहिम थी और वो मुहिम दोबारा उसका स्टार्ट हुआ ये माजी करीब में। इसी तरह अगर आप देखें चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की अपॉइंटमेंट के खिलाफ तो बाकायदा धरना, वो एक लॉन्ग मार्च का ऐलान किया गया, सब कुछ रिकॉर्ड पे, मैं नहीं बना रहा, मैं खुदा ना खास्ता सब कुछ सर्च कर लीजिए गूगल पर या ट्विटर पर देख लीजिए, तो बाकायदा ऐलान हुआ उस अपॉइंटमेंट से पहले कि जी हमारी मर्जी का होना चाहिए और हम लगवाएंगे वगैरह वगैरह। अब देखना ये बातें कहनी इसलिए कि ये पाकिस्तान है, ये बर्तानिया तो है नहीं, ये जहाँ पे कोई रूल्स ऑफ द गेम है, या स्वीडन या नॉर्वे या अमेरिका या हत्ता कि हिंदुस्तान भी, जहाँ पे इदारे मजबूत है, इदारे यहाँ पे कमजोर हैं, यहाँ पे शख्सियात गालिब होती हैं। अब बात ये है कि आप इस तरह के माहौल में ये इस तरह की फटे कर लें, अब देखिए ये चीजें मुनासिब नहीं होती, आप नहीं होती ना, जाहिर बात है कि आप इख्तलाफ राय रखे हैं तो वो तकनीकी बुनियादों के ऊपर रखे हैं, तो इस तरह अवामी सतह के ऊपर किसी की जातियात के ऊपर बात करना, वो जाहिर बात है कि जब आप किसी पे करेंगे तो दो चार आगे से भी सुनने को मिलेंगी। शर्मिला फारूकी साहिबा, एक पॉइंट, अगर यासिर मियां मैं आपके खिलाफ कैंपेन चला दूं ना कि मुझे आप 92 न्यूज में ये कर रहे हैं, आप मुझे आइंदा कभी नहीं बुलाएंगे अपने शो में, याद रखिएगा। तो ये तो फिर होते हैं सर, हमने 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 इतना सबर सीखा हुआ है इस फील्ड के अंदर आके। शर्मिला फारूकी साहिबा, जिस तरीके से फैसल करीम कुंडी साहब ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब चौथी बार वजीर आजम बन के क्या करेंगे, और दूसरी बात उन्होंने ये भी की कि जिन्होंने कराची के हालात खराब किए थे वो नवाज शरीफ के इत्तेहादी थे और अब भी उनसे इत्तेहाद बनाया जा रहा है, माजी करीब के अंदर पीडीएम की हुकूमत में होते हुए आप लोगों ने भी एमकेएम के साथ हाथ मिलाए थे, वो बिल वास्ता या बिला वास्ता मिलाए, मिलाने तो पड़े, लेकिन अब इत्तेहाद किसी दूसरी तरफ होने लगा है तो उसके ऊपर फिर इस तरीके से बोहतान तराजी हो रही। अब कॉन्फिडेंस का लेवल देखें, वो कह रहे जी कल अच्छा फैसला आने वाला है और ये तय है कि मियां साहब चौथी बार वजीर आजम बनेंगे, तो फिर ये इलेक्शन तो नहीं हो रहा ना, वी आर मूविंग टूवर्ड्स अनदर सिलेक्शन। इतनी कॉन्फिडेंस के साथ ये बात करते थे कि मियां साहब आएंगे, गिरफ्तार नहीं होंगे, जलसा होगा, सजा खत्म हो जाएगी, वो बहाल हो जाएंगे, सारी बातें करते थे, यहाँ तक कि इनके कुछ लोग तो इलेक्शन की तारीख देते थे। एक तरफ पीपल्स पार्टी इलेक्शन की तारीख का मुतालबा करती थी ईसीपी से, दूसरी तरफ इनके लोग इलेक्शन की तारीख दे रहे थे और लगभग वही तारीखें आई हैं, फरवरी की 8, 10, 12 इस तरह ये तारीखें देते थे। ये बड़ी अजीब सी बात है और एग्जैक्टली एक स्क्रिप्ट के तहत तमाम मामला चल रहे हैं।
अब देखिए, अनफॉर्चुनेटली दिस शुड नॉट हैव बीन आवर कॉन्वर्सेशन. इस वक्त कॉन्वर्सेशन क्या होनी चाहिए? कॉन्वर्सेशन होनी चाहिए, मैं अगर इक्तदार में आऊँगा तो मैं इस मुल्क में बेरोज़गारी कैसे कम करूँगा. वॉट इज़ माई प्लान, वॉट इज़ माई एजेंडा कि मैं इस मुल्क में रोज़गार पैदा करूँ. ये बात होनी चाहिए थी राणा साहब की तरफ से. इनके पास मंशूर होना चाहिए था ना इनकी जमात का, उस पर ये बात करते हैं. इसी तरीके से इनको बात करनी चाहिए थी कि इस मुल्क में जो मायूस यूथ है उसकी कॉन्फिडेंस की बहाली के लिए क्या करेंगे, कैसे आप उनको तालीम का निज़ाम बेहतर करके देंगे, क्या वो फॉर्मूला है जहां पर आप उनकी करियर काउंसलिंग करेंगे, जॉब प्लेसमेंट्स कराएंगे. बात ये होनी चाहिए थी कि जनाब इस मुल्क में जो बिजली का बहरान है उसको आप किस तरीके से, आप अल्टरनेट एनर्जी की तरफ जा रहे हैं, क्या प्लान है आपका, कैसे आप इस मुल्क को सोलर की तरफ लेके जा रहे हैं. बहुत सट कर पीपल्स पार्टी ने 10 नकाती एजेंडा दिए ना, उसमें हर चीज़ कवर है. हम तो उस पर बात करने के लिए बैठे हैं, हम तो ये बात करने के लिए बैठे ही नहीं है कि जी कल सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आने वाला है. हम तो ये बात करने के लिए, हम तो ये कहते हैं पाकिस्तान सबका है, एक नौजवान की आदत है, उसको मौका दो. हम थोड़ी कहते हैं कि जनाब जी ये तय हो गया है कि जी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है वो वजीर आजम है. हम ये कहते हैं आवाम को फैसला करने दो, हम इलेक्शन में जा रहे हैं. हाँ, अगर हम सिलेक्शन में जा रहे होते तो हम बड़े कॉन्फिडेंट तरीके से बैठ के हम यही बातें करते जो राणा साहब कर रहे हैं. क्या ऐसी तब्दीली लाई जाएगी जो तीन बार मियां साहब के दौर में नहीं आई और एक बार शहबाज शरीफ साहब के दौर में नहीं आई? क्या व्हाट इज डिफरेंट दैट दे आर गोइंग टू डू? आपको कुछ आपका ये जो यही सवाल है इसका जवाब राणा साहब से लेते हैं, लेकिन एक ब्रेक लेनी है. ब्रेक के बाद वापस आएंगे. पूरा किस वजह से है इसी का जवाब लिया जाएगा, कहीं नहीं जाएगा शेवदास. ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन. जिस तरीके से ब्रेक से पहले बात हो रही थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये मानना है कि हम तो मंशूर को लेके मैदान में उतरे हैं, हमने टारगेट ऑडियंस को इस वक्त अपना नैरेटिव जो है वो बेचा है और वो बाय कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून माजी की सिर्फ बातें कर रही है और पूरा एतमादी उनकी इस तरीके से है कि जैसे उन्हें प्रोजेक्ट किया जा रहा है. अब इसका जवाब राणा एहसान साहब से लेते हैं. राणा एहसान साहब, आप शरीफ-उन-नफ्स आदमी हैं, शरीफ आदमी हैं, भले भी हैं, तो लेकिन बात जिस तरीके से शर्मिला फारूकी साहिबा कर रही हैं, बात तो है कि आप पूरा एतमादी इतनी ले आते हैं वो उस पर लगता है कि शायद किसी की आशीर्वाद की वजह से ये पूरा एतमादी है. तो पूरा एतमादी का लेवल थोड़ा सा कम करके शरीफ-उन-नफ्स होने के नाते बंदा भोले मुंह से ये कह देता है कि मियाँ साहब निकल जाएंगे, चौथी बार वज़ीर आज़म बन जाएंगे, ये तरीका अपना ले शायद किसी के लिए काबिल कबूल हो. नहीं, देखें, सबसे पहली बात है कि पहले का इंशाल्लाह वो चौथी दफा के वज़ीर आज़म होंगे, वो कैंडिडेट हैं पीएमएलएन के वज़ीर आज़म शिप के. तो मैंने ये तो बिल्कुल भी नहीं कहा था कि वो बनने जा रहे हैं इंशाल्लाह. और जब आप किसी मैच आप खेलने जाते हैं कोई भी गेम का, तो आप यही कहते हैं इंशाल्लाह हम जीतेंगे. तो ये, और ना मैंने ये कहा कि कल हमारे हक में फैसला आने लगे, मैंने ये कहा मुझे उम्मीद है कि अच्छा फैसला आएगा. तो अब उसको, अब इन सारी चीजों को पीपल्स पार्टी अगर जो है ट्विस्ट करके, लेकिन राणा साहब बस अद एहतराम, कभी कभार मैच के बारे में बात हो रही हो ना तो मैच के बारे में ये होता है कि हम जीत जाएंगे, लेकिन आप तो रन्स भी बता रहे हैं कि इतने रन से जीतेंगे, तो वो फिर वहां पे जरा थोड़ा सा युवा होने लगता है. नहीं नहीं, आप मैच में भी ये कहते हैं कि इंशाल्लाह हम 300 मारेंगे, 3 सेंचुरीज करेंगे. तो ये क्यों नहीं, ये तो क्लेम्स हैं और अवाम ने डिसाइड करना है कि ये कितने क्लेम्स अचीव होते हैं नहीं होते. तो यहाँ लेकिन बात ये कि इन्होंने कहा कि हमने इलेक्शन की डेट तक हमने प्रिडिक्ट करके बता दी, तो उसके अंदर तो पीपल्स पार्टी का भी क्रेडिट बनता है ना, क्योंकि सेंसस तो इन्होंने भी नोटिफाई कराया लेकिन बाद में ये वो भूल गए सब कुछ और इनको वो गिनती भी नहीं आती कि वो 4 महीने लगते हैं डीलिमिटेशन की जो ईसीपी ने करनी थी उसके 60 दिन बाद, तो वो कैलकुलेशन करें तो वो फरवरी की बनती थी. तो कोई इसमें ऐसी चीज़ें नहीं है जो हम पहले प्रिडिक्ट कर रहे थे. बहरहाल हम भी लेवल प्लेइंग फील्ड चाहते हैं, हम सबके लिए चाहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड हो, मिलनी चाहिए, लेकिन लेवल प्लेइंग फील्ड को हम कन्फ्यूज कर देते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड क्या है. अगर अमेरिका में कैपिटल हिल के ऊपर हमला हुआ था तो वो भी तो एक बिल्डिंग थी ना, एक बिल्डिंग के ऊपर हमला हुआ और उसकी तोड़फोड़ हुई, लेकिन आपको पता है कि 1,000 लोगों को चार्ज कर दिया गया,
350 लोग कन्विक्ट हो चुके हैं उसके अंदर, और मेरे ख्याल से 10 साल तक की सजाएं जो हैं वो सुनाई गई हैं। तो वो भी एक बिल्डिंग थी, एक कह लें कि एक सिंबल था, और यहाँ तो 10-10 जगहों पे हमलावर हुए एक पार्टी के लोग। तो मैं समझता हूँ कि जब हम लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करें, तो अगर कोई कानून को रस्ते के अंदर तोड़ता है और वो पकड़ा जाता है, तो लेवल प्लेइंग फील्ड इस चीज़ को भी वो दरकार करती है कि कानून और आईन के मुताबिक ट्रायल हो, और अगर वो गलत पाया जाता है तो उसको सजा हो। लेवल प्लेइंग फील्ड का ये मतलब नहीं है कि आपने तोशाखाना किया, आपने फॉरेन फंडिंग की, आपने 9 मई के वाकये किए, तो उनको हम जो है ना किसी अलमारी में बंद कर दें, भूल जाएं और आगे बढ़ें। तो ये भी लेवल प्लेइंग फील्ड का एक हिस्सा होता है कि जिसने अगर कोई कानून हाथ में लिया है उसके मुताबिक उसको सजा मिले। जहां तक पीपल्स पार्टी की बात है, मैं समझता हूँ सियासी बयान ज्यादा, बयानबाजी ज्यादा है। MQM जो इनको जो काबिल कबूल हमारे साथ उनका इत्तेहाद नहीं है, पता नहीं इत्तेहाद कितना सक्सेसफुल होता है ये तो वक्त बताएगा। अभी उसमें बड़े मसाइल हैं, और जमातों के साथ भी जो हमने इत्तेहाद किए हैं उनमें भी बड़े मसाइल हैं। ऑर्गेनिक इत्तेहाद हैं तो मसाइल हैं, अनऑर्गेनिक होते तो वो मसाइल शायद इतने ज़्यादा सरफेस ना करते। तो इसी MQM के साथ कोएलिशन हुकूमत की पीपल्स पार्टी ने, तो मैं समझता हूँ कि यहाँ बयानबाजी ज्यादा है, लेकिन ये होती है इलेक्शन से पहले, नैरेटिव बिल्डिंग भी होती है, एक दूसरे पे कीचड़ भी उछाला जाता है। हम इसकी तरफ ज्यादा फोकस नहीं कर रहे। जहां तक बात है कि हमारा क्या प्लान है आगे, वो प्लान हम अपने मंशूर में मुकम्मल एक डिटेल्ड प्लान देंगे, और बिल्कुल हम अपनी माजी की परफॉर्मेंस की बात करते हैं। 13-18 के अंदर हमारे पास 20 चीजें हैं जो हम अवाम को बता सकते हैं, जो हमने डिलीवर की अपने मंशूर के मुताबिक डिलीवर की। और अभी जब हमारा मंशूर लॉन्च होगा, मैं तो उसमें इकोनॉमिक प्लान भी होगा, एजुकेशन को हमने किस तरह जो है वो ओवरहॉल उसकी करनी है, हेल्थ को कैसे करना है, क्लाइमेट चेंज के ऊपर है, उसमें विमेन एम्पावरमेंट है, ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। तो बहुत उसमें डिटेल्स में हम जा सकते हैं, वो वादे वहीद होंगे और उसका एक स्टेप वाइज एक मामला होंगे कि कैसे हमने वहां पहुंचना है। लेकिन अभी अवाम को बिल्कुल हम अपनी परफॉर्मेंस गिनवाते भी हैं, बताते भी हैं, और मंशूर पे हम इंशाल्लाह मुस्तकबिल की भी बात करेंगे। सही यार, ठीक रजा रूमी साहब, मैं अमूमन ये सवाल करता हूँ, और बेशतर रहनुमाओं से मैंने सवाल किए हैं, और ज़्यादातर मैं MQM वालों से ये सवाल करता हूँ, लेकिन आपकी इस पे तजियाती राय चाहिए कि 2008 से लेके अब तक MQM मुख्तलिफ हुकूमतों के साथ हिस्सादार रही है, लेकिन अलग भी होती रही, उन्हीं के खिलाफ बोलती भी रही, उनके जो मुतालबात थे आज तक माने ना जा सके। आप क्या समझते हैं कि MQM को सच्चा प्यार कब मिलेगा? कि हमको सच्चा प्यार, देखिए सच्चा प्यार तो बहुत कम लोगों को मिलता है, बड़े खुश नसीब होते हैं, आटे में नमक के बराबर होते हैं, इसलिए MQM भी वास्ट मेजॉरिटी का हिस्सा है। मगर बात यह है कि MQM की अपनी सियासत जो है उसमें भी तो बहुत प्रॉब्लम्स रही है ना। उनकी जो तर्ज सियासत था और जो अंदाज था, और यकीन उनको एक बहुत बड़ा बूस्ट मिला जनरल मुशर्रफ के दौर में, जब उनको दोबारा से रिवाइव किया गया। उससे पहले तो 90 की दहाई में बहुत सारे ऑपरेशंस का सामना करना पड़ा, जनरल मुशर्रफ को ज़रूरत थी उनकी, उनको दोबारा रिवाइव करके मसलत पे बिठा दिया। उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कोलिशन जो है उनकी हिमायत पर डिपेंडेंट थी, दोबारा से वो रहे। लेकिन फिर उसके बाद आपने देखा रफ्ता रफ्ता 2013 के बाद जो नई गवर्नमेंट आई, और उसके बाद जो एक्शन हुआ कराची में, उसके बाद से तो फिर MQM को तो बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। वो वाली MQM ही नहीं रही जो कभी हुआ करती थी। एक तो उनके जो लीडर हैं, जो उनके रूहे रवा हैं, वो मुल्क से बाहर हैं, कितना अरसा हो गया है उनका भी, उनके दफातर कई सील्ड हैं अभी तक। जो उनका सबसे अहम मुतालबा है कि भाई हमारे दफ्तर तो खोल दो, हमें इजाज़त तो दो वहाँ पे करने की, उनके गालिबन बैंक अकाउंट्स भी सील हुए। तो हमें ये दोनों साइड देखनी पड़ती है, लेकिन मेरे ख्याल से वो एक अच्छा एक प्रेशर ग्रुप के तौर के ऊपर वो जो है अपनी हिस्सा हुकूमत में और रियासती वसाइल में वो मांगते हैं कराची के हवाले से, और वो अच्छी चीज़ है। लेकिन उनका दूसरा बड़ा जो मुतालबा है वो लोकल गवर्नमेंट का है,
वो भी किसी हद तक पूरा हुआ है। अभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उसमें बड़ी पेशरफ्त की है पिछले सालों में, और कराची में अब एक मेयर भी हैं, सिंध में भी लोकल गवर्नमेंट्स हैं। तो रफ्तार रफ्तार देखिए, जमहूरियत में यही होता है, जमहूरियत में इर्तका होता है, रातों रात कोई चीज़ नहीं होती, एक साल दहाइयाँ लग जाती हैं कि कोई ये जो सियासी जो क्लेम्स होते हैं पॉलिटिकल ग्रुप्स के, उनको तस्लीम करने में, उनको इम्प्लीमेंट करने में। जी सही, जिस तरीके से शर्मिला फारूकी साहिबा बात हो रही है कि आपने कहीं ना कहीं एमकेएम को उनके मुतालबात कहीं ना कहीं पूरे किए, लेकिन एमकेएम का मेन मुतालबा ये है, वो कहते हैं कि जेडी सेट होनी चाहिए, जो सीएम की हैं, जो पीएम की हैं, वो मेयर की भी होनी चाहिए। हमें सीएम के अंडर छोड़ दिया जाता है, हमारे पास इख्तियारात नहीं होते, 18वीं तरमीम के अंदर कुछ सुकम है और कुछ तब्दीलियां हमने करनी है, और हमें ये लगता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हाथों हो सकती हैं, आपके हाथों नहीं होंगी। अब ये उनका क्लेम और इसी बुनियाद के ऊपर उनका इत्तेहाद, क्या पीपल्स पार्टी उसकी मुखालिफत करेगी या ये कहेगी कि बैठ जाएं, आप देख लें, अगर कोई बेहतरी के लिए फैसला हो सकता है तो तरमीम कर लेते हैं? यासिर साहब, इसमें दो तीन चीज़ें हैं। एक तो एमकेएम की जो तर्ज सियासत रही है पिछले 20 साल से, वो आपको समझने की ज़रूरत है। दे हैव ऑलवेज बीन इन पावर फॉर द लास्ट ऑलमोस्ट 20 ईयर्स, जिसमें मुशर्रफ के आप 10 साल डाल दें, अनफेटर्ड पावर, पूरा सिंध ही वो चला रहे थे। उसके बाद फिर सक्सेसिवली पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन, फिर इमरान खान, फिर पीडीएम। तो उनकी जो तर्ज सियासत अब रही है, हाँ उनकी सीट्स कम होती गई, बार्गेनिंग पावर कम होता गया, लेकिन अब वो 5-6 सीटों पे भी वो बार्गेन कर जाते हैं, क्योंकि द कोलिशन गवर्नमेंट्स हिंज ऑन दोज 5-6 सीट्स। अब उनका जो तर्ज सियासत है ना, आई एम श्योर दे आर राइट इन देयर ओन वे, कि वो समझते हैं कि उनको इक्तदार में रहने की ज़रूरत है, वो उस तरीके से बेहतर अपने वोटर्स को या अपने हलके को केटर कर सकते हैं। ठीक है, ये उनकी सियासत है, मतलब हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन ये जो क्लेम करते हैं ना कि हम हुकूमत में इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हमने 18वीं तरमीम के अंदर कुछ करना है या फलां करना है, या सीएम के पावर्स, मेयर के पावर्स, पहली बात तो ये है कि ये इमरान खान साहब के साथ भी रहे थे, कर लेते तरमीम, 18वीं तरमीम, बातें होती रही उस जमाने में कि जो 18वीं तरमीम ये वो, इमरान खान को भी नहीं पसंद थी 18वीं तरमीम। भूल गए वो कि इसी 18वीं तरमीम के नतीजे में ही वॉज अ पावरफुल प्राइम मिनिस्टर, वरना तो हुकूमत आरिफ अलवी चला रहे होते ना अगर 18वीं तरमीम ना होती। इसी तरीके से 18वीं तरमीम के जरिए सूबे ज्यादा बाख्तियार हैं। पीपल्स पार्टी का फलसफा और मंतक ये है और मानना ये है कि जब आपके पास मजबूत फेडरेटिंग यूनिट्स होते हैं, दे मेक अ पावरफुल सेंटर, वो वफाक को मजबूत करते हैं, और एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक है, अच्छा अब आ जाते हैं कि जनाब के इसमें ये एक बड़ी साजिश है कि सूबों को अख्तियार ना मिले, फला सूबों के पास ज्यादा वसाइल हैं। आज सूबे बेहतर समझ सकते हैं कि उनको क्या तरक्याती काम करने हैं, किस वो आज बिजली के घर बना सकते हैं, ट्रांसमिशन लाइन लगा सकते हैं, अपनी लेजिस्लेशन कर सकते हैं, सो ऑन एंड सो फॉर्थ। जो 18वीं तरमीम के समरात हैं वो बेतहाशा हैं। अब आ जाते हैं मेयर के पावर्स। अच्छा, अब इनका मसला ये चाहते हैं पैरेलल गवर्नमेंट चले। देखिए, पैरेलल गवर्नमेंट नहीं हो सकती, दे आर टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, ये कहते हैं जितने पावर चीफ मिनिस्टर के पास हो, फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, वही मेयर के पास हो। अभी पैरेलल गवर्नमेंट्स तो नहीं चल सकती ना, क्लैश होगा, देर हैज टू बी सम डिवीजन ऑफ पावर समवेयर। अब मेयर कैन नॉट बी एज पावरफुल एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ द प्रोविंस। अच्छा, लेकिन ये चाहते हैं कि जी ये इनका मेयर जो हो, क्योंकि ये समझते हैं कि कराची में इनका मेयर होना चाहिए, हैदराबाद में होना चाहिए, और फिर इलेक्शन भी बायकॉट कर जाते हैं, जानते हुए कि अगर लड़ेंगे तो हार जाएंगे, फिर क्या शक्ल दिखाएंगे, अल्लाह करे ये जनरल इलेक्शन बायकॉट ना कर जाएं। बात ये है कि ये सारी चीजें, अगेन मैं आपको बात, आई विल ब्रिंग द कॉन्वर्सेशन बैक टू वेयर आई बिगैन, इस वक्त ये कॉन्वर्सेशन जरूरी नहीं है। इस वक्त ये कॉन्वर्सेशन जरूरी है कि अगर एमक्यूएम भी आती इक्तदार में तो वो किस तरह खिदमत करेगी अपने लोगों की, पीएमएलएन इक्तदार में आती किस तरह खिदमत करेगी। पीपल्स पार्टी तो बता रही है ना, 10 नुकाती एजेंडा ले आई, आप नहीं बता रहे कैसे किसी वोटर के पास आप चॉइस देंगे। आप बताएं ना, हम कहते हैं हम यूथ कार्ड लेकर आएंगे, हम फाइनेंशियल टारगेटेड इनकम देंगे, सपोर्ट देंगे, स्टाइपेंड देंगे उन यूथ को जो नौकरियां ढूंढ रहे हैं, और जो जिनके जिनके पास डिग्री है, डिग्री लेके फिर रहे हैं लेकिन नौकरी नहीं मिल रही, वो कैसे सस्टेन करेंगे अपने आप को। आपके पास क्या प्लान है,
व्हाट इज योर प्लान? हम तो ये पूछ रहे हैं, हम तो कहते हैं मैदान में आओ, जितना मुकाबला बताएं राणा साहब बताएं कि क्या करना है। वो पीपल्स पार्टी का मतलब ये है कि मियां साहब यहाँ पे आके ये ना बताएं कि मुझे क्यों निकाला, मियां साहब आके ये बताएं कि मैं क्यों आया, तो बताएं कि क्या लेने आए हैं और क्या बेहतरी का सामान देंगे। देखिए मेरे ख्याल से पीपल्स पार्टी बड़ी खुश है कि उसने मंशूर लॉन्च कर दिया है और अभी तक और किसी जमात ने लॉन्च नहीं किया, तो वो इस चीज़ को सेलिब्रेट कर रही है और कह रही है जी हम प्लान लेके आ गए और बाकी जमातें नहीं लेके आई। मैं हमारे पास भी माशी प्लान है, हम समझते हैं कि आगे जो है मैक्रो इकोनॉमिक और फिस्कल कंसोलिडेशन का दौर जो है वो आना है अगले 2-3 साल और उसको हम लेके आएंगे। हमने वी हैव टू लिव विद इन आवर मींस और एक डिसिप्लिन के तहत जब हम चलेंगे तो तभी ये जो महंगाई है उसकी हम कमर तोड़ सकेंगे। लेकिन जुमलों में लफाजी का इस्तेमाल करना आसान काम है। पीपल्स पार्टी ये कहती है कि 18 महीने ये एजेंडे में ही नहीं रहा कि महंगाई और बेरोजगारी का खात्मा करना है। अब इसका जवाब पीपल्स पार्टी को भी देना चाहिए, लेकिन बार तो ज्यादा मुस्लिम लीग नून के कंधों पे है, वो क्या जवाब देगी? देखिए उसका बड़ा सिंपल जवाब है ना, अगर हम ये ख्वाहिश करें कि हमने बिजली के 300 यूनिट सस्ते कर देने हैं या उनको मुफ्त कर देना है तो उससे महंगाई में कमी आ जाएगी, तो ऐसे तो नहीं होगा। देखें बात यह है, खान साहब भी जाते हुए जब उनकी हुकूमत जा रही थी उन्होंने बिजली भी सस्ती कर दी थी, पेट्रोल भी सस्ता कर दिया था, उन्होंने एमनेस्टी स्कीम भी लॉन्च कर दी थी, तो उनसे उससे ये तासर मिला कि वो अवाम को रिलीफ दे रहे हैं, लेकिन दर हकीकत वो IMF के मौदे को रद्द कर रहे थे, उसको डस्टबिन में फेंक रहे थे और उसकी वजह से एक जो साइकिल चला जहां आपका रुपया डीवैल्यू होना शुरू हुआ क्योंकि आपको डॉलर्स की जरूरत थी और डॉलर्स आप नहीं ला पा रहे थे क्योंकि मौदा रद्द हो गया था, तो उससे एक बहुत ज्यादा आपकी मईशत को नुकसान पहुंचा। उसके बरक्स जब आप देखते हैं कि PDM की हुकूमत, जाती हुई हुकूमत जो जा रही है, वो पेट्रोल भी महंगा कर रही है, वो बिजली भी महंगी कर रही है, गैस भी महंगी कर रही है, लेकिन उसके नतीजे में होता ये है कि आज की जो केयर टेकर की जो सेटअप है वो डॉलर को काबू कर लेती है क्योंकि एक IMF का आपकी बात अगर यहां तक आपकी स्टेटमेंट मैं अगर मान लूं सर, मैं मेरा एक बीच में बात सुन लेना मुझे सिर्फ आखिरी पॉइंट मेक कर लेने दें। उस तसलसल में डॉलर काबू आ जाता है क्योंकि IMF का मौदे के कोई झटके नहीं पड़े या उसको किसी ने फाड़ के डस्टबिन में नहीं फेंका, तो मैं समझता हूँ इससे महंगाई काबू आएगी। ठीक है, और आपकी बात मैं मान लेता हूँ, मैं मानता हूँ सर, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब आपके सबसे बड़े इतिहादी रहे, आप लोग ये क्लेम करते हैं कि हमने अपनी सियासत गवाई है, अपनी रियासत बचाई है और हमने डिफॉल्ट से पाकिस्तान को बचाया। मौलाना फजलुर रहमान साहब का आज का स्टेटमेंट है कुछ ही देर पहले का, उन्होंने ये कहा कि हमने मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया था लेकिन अब मुल्क फिर से डिफॉल्ट होने जा रहा है। यानी अगर आपने बचाया था तो किन बुनियादों पे अब डिफॉल्ट होने जा रहा है, इसकी मंतिक समझ नहीं आती। देखिए बात तो यह है कि पाकिस्तान की जो मईशत है वो बिल्कुल कोई ठीक तो अभी कह लें कि मसाइल से तो नहीं निकली ना, अभी भी हमारे जो रिजर्व्स हैं वो बहुत कम है, आपके 8 अरब से नीचे स्टेट बैंक के रिजर्व्स हैं, 8 अरब डॉलर से नीचे हैं और अभी भी आपकी इंपोर्ट आप कंप्रेशन करके आप मैनेज कर रहे हैं चीजों को, आपके ये डेट की पेमेंट्स हैं, अभी भी आपको बहुत बड़ी बड़ी रिफॉर्म्स की जरूरत है, तो बिल्कुल अगर आप एक नए एडवेंचर में जाते हैं जहां आप एक रिलीफ का बुछाड़ अवाम को कहें कि हम आपको बिजली भी मुफ्त कर देंगे, 300 यूनिट से नीचे मुफ्त बिजली हम आपका ये भी कर देंगे, तो वो जब आप इस तरह के फेक प्रोमिसेज अवाम को करके आप जाएंगे और फिर जब आपको हुकूमत मिलेगी आप उसकी तरफ बढ़ेंगे, तो ये मिस एडवेंचर, इकोनॉमिक मिस एडवेंचर अगर किए गए तो बिल्कुल मुल्क दोबारा खतरनाक सूरत हाल तक जा सकता है। और मैं समझता हूँ कि यही रिस्पॉन्सिबिलिटी की ज़रूरत है और हमें इस चीज़ का इदराक है। हम इंशाल्लाह जो हमारा मंशूर होगा वो खोखले वादे नहीं होगा, वो उसी तरह का मंशूर होगा जब यहाँ इस मुल्क में 2500 बम धमाके होते थे 2013 में, टेररिस्ट इंसिडेंट्स होते थे, तो उसको हम 100 से नीचे लेके आए। हमने वादा किया था कि हम मुल्क की सिक्योरिटी को बेहतर करेंगे, हमने बिजली पूरी की, हमने गैस पूरी की, हमने CPEC लॉन्च किया, तो जब हमने तब किया था
तो इंशाल्लाह जो हमारा अभी मंशूर जब लॉन्च होगा तो हम बड़ी डिटेल में हम चले आप डिटेल में करेंगे। रजा रूमी साहब आपको बताएंगे कि हम क्या करने जा रहे हैं। रजा रूमी साहब, तरक्की याफ्ता ममालिक में जब इंतखाबात होते हैं ना तो उनका मंजरनामा ही और होता है, वहां पर डिबेट्स ही और तरीके से होती हैं, वो समझ से बालातर होती हैं। अगर हमारे लिए तो समझ से बालातर है, उनकी तो समझ में पूरा पूरा आता है, यानी गवर्नेंस का हाल बताया जाता है, अपनी आइंदा की हिकमत अमली बताई जाती है, मौसमियाती तब्दीलियों से निमटना बताया जाता है, डेफिसिट किस तरीके से कम करते हैं वो बताया जाता है। हमारे यहाँ सिर्फ माजी गिनवाया जा रहा है, मुस्तकबिल के ऊपर अहदाफ जो है वो कम रखे जाते हैं। तो हमारे यहाँ वो वक्त कब आएगा कि जब मनाजरे इस तरह से होंगे, मजाकरे होंगे और फिर उसके ऊपर इलेक्शन लड़ा जाएगा? जी देखिए, खुदा करे कि वो दिन यहाँ भी आए, लेकिन यहाँ पे मसला ये है कि जो पाकिस्तान की तारीख है वो आप सबके सामने है। तारीख को छोड़ दीजिए, जो माजी करीब में भी होता रहा है, यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे तो सियासी इंजीनियरिंग जो है वो ही नहीं जान छोड़ती, ना इलेक्शन की, ना जमहूरियत की, ना आइन की। जो 2018 में हमने देखा नक्शा जो कुछ किया गया अपना फेवरेट प्रोजेक्ट को लॉन्च करने के लिए, और अब 2024 में हम उसका एक और वर्जन देख रहे हैं। चेहरे बदल गए हैं, नाम बदल गए हैं, किरदार बदल गए हैं, तो इन हालात में कौन सा मंशूर और कौन सी प्रोग्राम पे बात हो सकती है? यहाँ भी ये जिन सिविल ब्यूरोक्रेसी पाकिस्तान की तारीख में बड़ी मजबूत रही है, आज भी है, ये जो आरोज वगैरह के साथ जो हंगामा और शिकायतें हो रही वहीं से आती है ना, और इसी तरह जो पाकिस्तान की अब तो पाकिस्तान में पूरे का पूरा खेप है, बड़े बड़े सरमायाकार और बड़े बड़े जिसे कहना चाहिए लैंड डेवलपर्स का, वो भी इस एस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा है। अगर आप उनकी ताकत देख लें कि वो किस तरह से असरअंदाज होते हैं रियासत के फैसलों पर, और मीडिया का भी, मेन स्ट्रीम मीडिया के कुछ हिस्से भी अब उस खेल का हिस्सा बन चुके हैं, यहाँ भी आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें पहुँच रही हैं, लेकिन अच्छी चीज़ें नहीं पहुँच रही, बुरी चीज़ें पहुँच रही हैं। लेकिन मैं ज़रा आपके सवाल से मैं हटकर मैं राणा साहब से ये अर्ज करूंगा, क्योंकि ये ओपन पब्लिक प्लेटफॉर्म है। तो राणा साहब, ये आपने सुनी यासिर के जो चुपते हुए सवालात थे, ये दरअसल पाकिस्तान के बहुत से अवाम के ये सवालात हैं कि अगर इस वक्त ये जो तासुर है ये सही है या गलत है, एग्जैजरेटेड है, कि इस वक्त भी किसी ना किसी सतह की कोई कुछ इंजीनियरिंग हो रही है जिसकी बेनिफिशियरी नून लीग होगी, तो फिर यहाँ पर तो मियां नवाज शरीफ को इस बात की वजाहत करनी चाहिए कि ऐसा है या नहीं है, क्योंकि इससे तो अवाम में तासुर अच्छा नहीं जा रहा। और ये जो इस वक्त ये लेवल प्लेइंग फील्ड का भी तस्करा होता है, 2018 में नून लीग ने सफ़र किया, हमने उस वक्त भी जो है आपके लिए कहा था कि गलत हो रहा है, लेकिन आज जब दूसरी आपके मुखालिफीन उस अमल से गुजर रहे हैं तो फिर ये तो उसूल यकसा लागू होने चाहिए। मैं राणा साहब आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ये बात पहुँचाएँ अपनी पार्टी लीडरशिप को, अपने दीगर रुफकाए कार को, क्योंकि ये इस तरह का अच्छा माहौल प्रोग्राम का वक्त खत्म होने वाला है। आपकी सजेशन अच्छी है और इसी के ऊपर तमाम सियासी जमातों को अमल पैरा होना चाहिए। बसूरत दीगर आवाम तक आप जो नज़रिया पहुंचाते हैं, आवाम उसे बाय करते हैं, वो मुतशद्दद होना या उनका तहम्मुल मिजाजी का मुजाहरा करना, वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर रिलाई करता है, तो उन्हीं को समत दिखानी चाहिए। बहुत शुक्रिया रजा रूमी साहब, राना एहसान अफजल साहब, शाहरुखी साहिबा, इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुलाकात होगी कल अल्लाह के बाद।